मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को खिचड़ी की शुभकामना दी, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति देश का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसको देखते हुए नागरिक हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। खिचड़ी पर्व सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना का प्रतीक है। उन्होंने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति एवं पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति का पावन पर्व भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि यहाँ पर पूरे देश भर से श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से ही खिचड़ी चढ़ाने का क्रम जारी रहा। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, राष्ट्रीय बदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी एवं भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्मिता चंद ने कहा। मैं अमित शंकर, आदि योगी के अवतारी पुरुष नाथ योगी बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के इस खिचड़ी के मेले में सामाजिक समरसता का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, ये अभूतपूर्व है और लोगों में बहुत ही उत्साह, उमंग, उल्लास भरा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद मिले। जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी। खिचड़ी का पर्व वैदिक काल से ही, सनातन काल से ही सामाजिक समरसता का यह पर्व रहा है और इसको यहाँ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पे आज गुरु हमारे गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि पर उन्होंने यहाँ खिचड़ी के अलग जगा करके आज ऐसा ये महोत्सव के रूप में यहाँ खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। और इसकी मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रमंडल समिति की तरफ से पूरे गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल के वासियों को खिचड़ी पर्व की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अस्मिता चंद, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। जी, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ बाबा की ये जो है पावन तपोभूमि है और यहाँ पे खिचड़ी का बहुत ही महत्व है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तब जो है तब से अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आकर के जो खिचड़ी चढ़ाते हैं और आज आप देख भी रहोगे यहाँ पे जो है दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत ही दूर दूर से आते हैं। मैं आपको बता दूँ, नेपाल से तक चल कर के लोग यहाँ पे आते हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए और इसका यहाँ पे बहुत ही महत्व है और हम सब लोग जो है यहाँ पे काफ़ी समय से, लंबे समय से आते हैं। खिचड़ी में चावल होता है, उड़द की दाल होती है, काला तिल होता है, हल्दी होता है और आपके ऊपर है जो जो चीज़ चढ़ाइए। हाँ, पैसा भी है। मकर संक्रांति हमारे गोरखपुर का सबसे बड़ा उत्सव है और ख़ास करके गोरखनाथ की तपोभूमि पर। और हम लोग पिछले 50 साल से यहाँ आते जा रहे हैं और खिचड़ी की जो मानवता थी, मान्यता है और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, ये महाराज जी की देन है कि हिंदुत्व में लोग जुड़ रहे हैं और इतनी आस्था है कि कोई हिसाब नहीं है। कल से ही लोग सवेरे 12 बजे से 14 तारीख के 12 बजे रात से शुरू हो गया खिचड़ी चढ़ाना। आज भी देखिए कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगी सभी लोगों और चाहूँगी कि जनता इसी तरह से जुड़ी रहे और अपनी आस्था गोरखनाथ जी के ऊपर रखे। गोरखनाथ की धरती पर मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों की, सहजनवा विधानसभा की तरफ से, गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं पूरे प्रदेशवासियों के देशवासियों को बधाई देता हूँ। मकर संक्रांति का पावन पर्व भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 14 तारीख से ही खिचड़ी चढ़ाने का क्रम जारी है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जन गोरखपुर की धरती पर आए हैं। मैं सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं का भगवान गोरखनाथ जी की पावन तपोभूमि पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिस प्रकार से यहां दो दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं
इस पूरी व्यवस्था को, चूँकि गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, पूरी व्यवस्था को स्वयं देख रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं और सब लोग प्रसन्न मुद्रा में आकर के यहाँ बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी में चढ़ा रहे हैं और सुख शांति पूरे देश में हो, प्रदेश में हो, सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, इसकी कामना भगवान गोरखनाथ जी से सब लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से देश के समस्त नागरिकों को मकर संक्रांति के पवित्र पर्व जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है, इस पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।